एक अच्छी भली कॉलेज जाने वाली लड़की, मेरा मतलब है कि कॉलेज से अभी अभी पास हुई है, वो एक मॉल में जाए और अचानक ऊपर से कूद जाए तो क्या कहेंगे इसे? बस यही हो रहा है आजकल कि कारण ही नहीं है कुछ ऐसा करने का। हम लोग सर पीटते रह गए कि कारण क्या हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जवान लड़के लड़कियां प्यार में धोखा खा जाते हैं तो स्वाभाविक है कि दिल पे चोट लगती है। कई बार वो बताते नहीं है किसी को, पर यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम लोग सोच ही रहे थे कि उसने आत्महत्या की क्यों, तो देखा कि उसके हाथ पे खून लगा हुआ था, हाथों में खून, वो भी किसी दूसरे का खून। तभी पता चला कि वहां एक और लाश है, उस आदमी का किसी ने खून कर दिया था। खून इस लड़की ने किया या किसी और ने, पर किया क्यों? ये क्या? ये लड़की तो मर गई। क्या? पर ये गिरी कैसे? गिरी नहीं, ऊपर रेलिंग पे चढ़ के कूद गई। मैंने देखा अपनी आंखों से। कूद 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 क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ठाकुर, क्या हुआ? क्या हुआ? तो ये लड़की यहाँ ऊपर से रेलिंग से कूद गई? जी हाँ सर। ये भी तो हो सकता है इसे ऊपर से वहाँ पे किसी ने धक्का दे दिया। नहीं सर, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। वो उस रेलिंग पे चढ़ी इससे पहले कि कोई कुछ करे, वो कूद गई। लड़की अकेली थी या इसके साथ कोई और भी था? अकेली थी सर। आप यहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज हैं? जी सर। वो गार्ड क्यों बेहोश हो गया इसे देख के? पता नहीं सर, बस खून खून चिल्लाया और बेहोश हो गया। फ्रेडरिक्स, सर जाके देखो सिक्योरिटी गार्ड को हो चाहिए, देख रहा हूँ उसे। सर इस लड़की का पर्स मिला है, इसका नाम नेहा है, जर्नलिस्ट थी, खार में रहती थी। क्या हुआ है? तुम बेहोश क्यों हो गए? पहली बार खून होते हुए देखा है साहब, डर के मारे तो कोई भी बेहोश हो जाए। खून? इस लड़की का खून हुआ है? और ये सब तो बोल रहे हैं कि ये वहाँ ऊपर से कूद गई है। ये लड़की कैसे मरी साहब, मैं नहीं जानता। अरे जानते नहीं हो तो फिर खून खून क्यों बोले जा रहे हो? क्योंकि इस लड़की को मैंने एक आदमी का खून करते हुए देखा है साहब। तो ये लड़की तो यहाँ मरी पड़ी है, इसने खून कैसे किया? यही सोचकर तो मैं बहुत चक्कर रह गया साहब। 5 मिनट पहले तो इस लड़की ने एक आदमी का खून किया और इतनी जल्दी ये लड़की भी मर गई। सच बोल रहे हो ना साहब? साहब बेसमेंट में आप उस आदमी की लाश देख सकते हैं साहब, आप मेरे साथ आइए साहब। विवेक लावण्या, तुम लोग ऊपर जाओ रेलिंग के पास और देखो ये लड़की कहाँ से गिरी है, अच्छी तरह से चेक करो जगह। यस सर। हमारे साथ चलो, दिखाओ वो लाश कहाँ पर है। आइए साहब आइए, ये रही लाश, देखा ना आपने? माय गॉड। साहब उसी लड़की ने इस आदमी का खून किया है। पर खून किया क्यों है? उसका इसके साथ कोई बहस हुई थी, कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? नहीं साहब, कोई बहस कोई झगड़ा नहीं हुआ,
लड़की ने तो इसकी तरफ देखा तक नहीं, बस वो लड़की आई, इसे गोली मारी और गन फेंक कर चली गई। कमाल, गोली चली लेकिन यहाँ किसी को सुनाई नहीं दिया। सर, हाँ? वो इसलिए कि गन पे साले से लगा। तो मतलब खून बड़ा सोच समझ के किया है, जल्दबाजी में नहीं। सर, वो लड़की यहाँ पर आई थी तो खून करने के लिए ही आई। सर, आलावा ये देखिए, जहाँ से नेहा ने छलांग लगाई थी उसके पास के डस्टबिन से ये मिला है। उसमें तो खून लगा है, कहीं ये खून नेहा का तो नहीं? अभिजीत, लगता है इस आदमी का नाम विकी है और ये शायद एक फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर? हाँ, उसके मैसेजेस से तो यही लगता है कि वो फैशन डिजाइनर। तो सर, फिर इस विक्की और ये लड़की नेहा, इन दोनों के घर जाके पूछताछ करनी पड़ेगी कि आखिर ये सब चक्कर है क्या। देखिए, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि नेहा ने खुदकुशी की है। और आप लोग कह रहे हैं कि इसने खून भी किया है। देखिए, एक खून तो हुआ ही है और अभी तक तो हमें यही लग रहा है कि खून नेहा ने किया है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? एक मासूम सी लड़की किसी का खून कैसे कर सकती है? इस आदमी का खून हुआ है। हम लोग सीआईडी से, आप? मैं सुधीर, विकी का पार्टनर। देखिए, हम ये पूछने आए, ये लड़की जिसने विकी का खून किया है, नेहा, इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? कभी सुना है इसके बारे में आपने? नहीं सर, हम इस आदमी को नहीं पहचानते। विकी नाम है इसका। लेकिन नेहा तो ऐसे किसी आदमी को नहीं जानती थी। नहीं सर, इस लड़की को मैं नहीं जानता। शायद विकी की कोई दोस्त हो सकती है। सर, विकी के सारे दोस्तों को मैं जानता हूँ, लेकिन ये विकी की दोस्त नहीं है। दया, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी किसी को जानता नहीं फिर भी बिना बात के जाकर उसका खून कर दे? ऐसा होना तो नहीं चाहिए सर। नहीं होना चाहिए ना? हाँ सर, होना तो नहीं चाहिए। तो फिर यहाँ पर ये कैसे हो गया कि नेहा विकी को जानती भी नहीं फिर भी मॉल में आई, कहीं से गन ली और जा करके विकी का खून कर दिया और बाद में खुद ऊपर से कूद गई? सर, अबे फोरेंसिक से रिपोर्ट आ गई है सर। गुड। गन पर जो उंगलियों के निशान मिले थे वो नेहा के ही है। मतलब नेहा ने विक्की को मारा है? बात थोड़ी टेढ़ी है सर। बात टेढ़ी तो है लेकिन रिपोर्ट तो यही बताती है। फिर भी सर, पहचाना मुश्किल है। सर, ये गन किसकी है ये तो हम पता लगा ही सकते हैं। हाँ, हमारे पास गन का नंबर है ना? यस सर, RNP157G32। गुड, जाकर के पता लगाओ ये गन किसके नाम पर है। एक बार ये गन किसकी है पता चल जाए ना, फिर देखते हैं। सर, वहाँ मॉल में इतनी सिक्योरिटी थी तो वो गन अंदर गई कैसे? सिक्योरिटी वालों ने गन देखी कैसे? अरे, मॉल में हर जगह कैमरे लगे होते हैं, वहाँ की फुटेज मंगा के देख लेंगे, पता चल जाएगा कौन कौन आया कौन कौन गया। प्रीडी, एक काम करो। काम हो चुका है सर, उस रिकॉर्डिंग की सीडी आने ही वाली है, मैंने पहले ही फोन कर दिया है। ये क्या किया प्रीडी, अपने आप ही मंगा ली? प्रीडी उतना गधा नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। अच्छा, प्रीडी सर, हाँ, अगर मॉल के सेक्रेटरी वाले से कोई इन दोनों खून में मिला हुआ है तो उसने जरूर इस सीडी में कुछ छेड़छाड़ की होगी। ऐसा लगता है तुझे? सर, अपनी गर्दन बचाने के लिए आदमी कुछ भी करेगा सर। हाँ, लेकिन उन्हें ये तो मालूम ही होगा कि जैसे ही सीआईडी वाले वो सीडी देखेंगे उन्हें पता चल जाएगा। सर, न जाने क्यों मुझे लगता है ये सिक्योरिटी वाला झूठ बोल रहा है। अभी पता चल जाएगा,
चलो देखते हैं। आप दिखाओ। सर ये देखिए, ये तो नेहा आ रही है। एकदम अंदर निकल गई, इसका मतलब है इसके पास कोई गन वगैरह नहीं मिली। तो फिर इसे वो गन मिली कहाँ से? सर हो सकता है गन पहले से अंदर हो, कहीं पे छुपा के रखी हो। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है, गन पहले से अंदर रखी थी, या फिर कोई ऐसा आदमी अंदर आया था जिसकी चेकिंग नहीं की गई। ये देखिए सर, देखिए ये औरत तो धनाधन अंदर घुस गई। अब एक मिनट रिवाइंड करके देखता हूँ। और ये सिक्योरिटी वाला भीखी पहले की तरह देखे जा रहा है, उसने रोका भी नहीं। ये गार्ड उस औरत को जानता था, शायद यही वो औरत है जो गन अंदर लेकर गई है। ढूंढो इस औरत को दया। अरे सर ढूंढेंगे कैसे उसे? फ्रेडरिक्स इसकी ड्रेस से पता चल जाएगा इसके बारे में। ड्रेस? ड्रेस से? फ्रेडरिक्स रोना मत शुरू करो, समझे? इस औरत की ड्रेस काफी महंगी लगती है। क्यों लावण्य, तुम्हें तो पता होगा, तुम तो एक मॉडल रह चुकी हो, है? हाँ सर, ड्रेस काफी महंगी भी है और काफी मॉडर्न भी है। फ्रेडरिक्स एक काम करो, इस फ्रेम की फोटो बनाओ और लावण्य को दो, और तुम भी लावण्य के साथ जाकर पता करो ये ड्रेस कहाँ पर मिली। खुदकुशी करने से पहले कुछ लोगों ने नेहा को वॉशरूम में देखा। विवेक लावण्य तुम लोग जाकर वॉशरूम चेक करो और वहाँ साफ सफाई करने वाले लोगों से भी बात करो, जल्दी जाओ। सर इंक्वायरी अभी भी चल रही है। दो दो खून हुए हैं तो क्या इंक्वायरी बंद हो जाएगी? और सर इन्हें थैंक यू भी तो बोलना है तो सीढ़ी के बारे में। हाँ बोल दो बोल दो। फोटो में औरत देख रहा जी? ये औरत बिना सिक्योरिटी चेक के अंदर आई है। ये गार्ड कौन है? ये तो मोहन है। बोला उसको, मोहन को बोला जल्दी। यस सर। ये औरत बिना चेकिंग के मॉल में घुसी कैसे? पता नहीं सर, अभी पूछते हैं मोहन से, आपके सामने पूछूंगा सर। दो दो खून हो गए और ये गन ये औरत अंदर लेके आई है, तुम लोग के नाक के नीचे से लेके गई है। सर ये मोहन है। क्या हुआ साहब? आपने उस लड़की को यहाँ वॉशरूम में देखा था ना? जी मैडम। क्या कर रही थी वो यहाँ पे? मतलब आपको कुछ अलग लगा उसके बारे में? जी सर, वो कुछ अजीब तरह से चल रही थी और उसकी आंखें खुली की खुली थी, पलक भी नहीं झपका रही थी। मुझे तो लगा उसके अंदर कोई आत्मा है। क्या? इस फोटो में कौन है ये गार्ड? ये तो मैं ही हूँ साहब। अच्छा, और ये औरत इसको जानते हो तुम? जी नहीं जानते साहब। तो फिर बिना चेक किए इसको मॉल के अंदर आने कैसे दिया? मैंने जाने दिया साहब। और तो कोई नहीं था तुम दोनों के आसपास उस वक्त? जी मैं जानता नहीं हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है साहब। सर तुम ही पूछो इससे, शायद कुछ याद आ जाए। तो सामने और कुछ याद नहीं आ रहा तुम्हें? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे अपनी बीवी बच्चों की कसम, मैं कुछ नहीं जानता साहब। सर ये आदमी सच बोल रहा है सर। क्यों सर? कोई अपनी वाइफ की झूठी कसम नहीं खाता सर। विवेक ये देखो। हाला भैया, नेहा के लिए गन पहले से यहाँ पे छुपा के रखी थी। गुड। सुनिए, आपने उस दिन वॉशरूम में किसी और औरत को देखा था जिसने स्कार्फ पहन रखा था? हाँ सर, एक औरत को देखा था जिसने कपड़े से अपने मुंह को ढक रखा था, वही होगी। ठीक है थैंक्स, चलो। सर हाँ वे? पता चल गया, उस औरत ने गन वॉशरूम में छुपा के रखी थी। वॉशरूम? सर वो औरत गन लेकर आती है और गन को वॉशरूम में छुपा देती, फिर नेहा आती है गन वॉशरूम में से निकाल कर विक्की का खून कर देती। सर दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन है। हेलो एसीपी प्रद्युमन। अच्छा ठीक है, ओके। क्या हुआ सर? एक और खून हो गया। Thank you.
एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए, हम लोग सीआईडी से। कितनी देर पहले हुए सब? सर ये कुछ 15 मिनट पहले सर। बहुत अजीब लड़का था सर, चुपचाप अंदर आया और दिनेश के सीने में चाकू मार दिया, बस हम लोग तो देखते ही रह गए। दिनेश जी आप इस आदमी को जानते हैं? हाँ सर, अक्सर यहाँ आया करते थे, बैंक में मैनेजर थे। इतने लोगों की आंखों के सामने वो लड़का चाकू मार के चला गया, किसी ने उसे पकड़ा नहीं? वो क्या है ना सर कि हम लोग बहुत डर गए थे सर। डर गए? 20 लोग खड़े हैं यहाँ पे, किसी की भी हिम्मत नहीं उसे पकड़ने की या रोकने की। वो लड़का यहाँ आता जाता रहता? नहीं सर, इससे पहले तो उसे कभी यहाँ देखा नहीं। एक मिनट सर, खून करने के बाद जब वो आइसक्रीम खा रहा था तो मैंने चुपके से उसकी फोटो निकाल ली थी। क्या? खून करने के बाद आइसक्रीम खा रहा था? बड़ा अजीब आदमी लगता है। बिल्कुल पागल था सर, और अजीब से निगाहों से देख रहा था। खून किया, फिर चाकू बाहर निकाला और टिश्यू पेपर से हाथ पोंछने लगा। टिश्यू पेपर सर, एकदम नेहा की तरह। नेहा ने भी खून करने के बाद टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ किए थे सर। जी देखने में तो किसी अच्छे घर का लगता है। एक काम करते हैं, इसकी फोटो सब अखबार और टीवी न्यूज चैनल में भेज देते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले 48 घंटों में दो दो खून हुए हैं और खूनी वहां से भागने के मूड में ही नहीं, ऐसा क्यों? आइए। ये सब क्या हो गया सर? मेरा बच्चा कहाँ चला गया? टीवी पे बार बार उसकी तस्वीर दिखा रहे। सर ये वरुण के माता पिता। हमारा बेटा 2 दिन से घर नहीं लौटा। खून करके भागा है आपका बेटा। खून? खून? आपके बेटे ने दिनेश नाम के बैंक मैनेजर का खून किया है, और वो भी 50 लोगों की आंखों के सामने। Excuse me, sir. आप लोगों ने मुझे बुलाया? आप मिनी? जी मार दिया। मिनी आओ बेटे। देखो रो मत, रो मत। देखो इन दोनों, क्या तुम जानती हो इनको? वरुण का नाम सुना था? वरुण? दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। हेलो, एसीपी प्रद्युमन या? क्या? अच्छा, कहां पर? ठीक है, हम लोग आते हैं। ओके। क्या हुआ सर? वरुण का पता चल गया है। वरुण, वरुण, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? इनको यहाँ पर कौन लेके आया था? सर ये लेके आया। यस सर। आपको कहाँ मिला ये? सर प्रिया बिल्डिंग की छत से छलांग लगा दी थी सर इसने। बिल्डिंग के छत से कूद गया ये? जान देने की कोशिश कर रहा था। जब ये छत की रेलिंग पर चढ़ रहा था तो मैं नीचे से चिल्ला रहा था इसको रोकने के लिए, लेकिन इसने मेरी कोई बात सुनी नहीं। और जब तक मैं छत पर चढ़कर इसको पकड़ता रोकता, ये वहां से कूद चुका था। सर अच्छा हुआ ये झाड़ियों पर गिरा, वरना ये बच नहीं पाता सर। मतलब ये भी आत्महत्या करना चाहता था? सर बिल्कुल नेहा की तरह। क्या वरुण किसी नेहा नाम की लड़की को जानता है? नहीं तो, पहले तो ये नाम कभी नहीं सुना। वरुण खून करता है और फिर आत्महत्या करने की कोशिश करता है, और नेहा, नेहा खून करती है और फिर आत्महत्या कर लेती है। मगर सर ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। हाँ ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, पर अभिजीत ये दोनों जो मरे दिनेश और विक्की, मुझे लगता है इन दोनों का जरूर आपस में कोई ना कोई संबंध है। दया देखो जरा, दिनेश और विक्की का कुछ संबंध है क्या? वही देख रहा हूं सर। हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को जानते थे लेकिन हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैं कहता हूं अभिजीत कुछ तो कनेक्शन इन दोनों के बीच में जरूर होगा। चल मिल गया,
ये देखिए कनेक्शन। इन दोनों पर कोर्ट में केस चल रहे थे। फैंटास्टिक, क्या कनेक्शन है सर? इन दोनों के ऊपर कैलाश नाम के एक आदमी ने केस किया था कि इन लोगों ने उसके लाखों रुपए खा लिए धोखा देके। मतलब ये दिनेश और विक्की ये एक दूसरे को जानते थे सर? ये तो पता नहीं, पर ये दोनों कैलाश को जानते थे। शायद इन लोगों ने कैलाश के पैसे लूटे हैं। ये कोर्ट में डिसीजन क्या हुआ? केस हार गया था कैलाश। अभिजीत, दया, इस कैलाश को ढूंढो। अगर एक कैलाश मिल जाए तो हमें पता चलेगा कि ये सारा चक्कर है क्या। कोई खून करता है और फिर आत्महत्या करने लगता है। क्यों? दो दिन हो गए अभी तक दुकानें ढूंढ रहे। इतनी तकलीफ तो मैंने अपनी वाइफ के शॉपिंग के लिए भी नहीं उठाई थी। सर, बिल्कुल ऐसी ड्रेस है, शायद यहीं से खरीदी होगी। एक्सक्यूज मी। यस मैम। हम लोग सीआईडी से हैं। ये वहां पे रख दे। सीआईडी से मतलब कोई बुरी खबर है? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। हम लोग सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि इस फोटो में औरत ने जो ड्रेस पहनी, क्या ये आपके दुकान से ली गई थी? ये डिजाइन तो हमारा ही है। वेरी गुड, किसे बेची थी? एक सेकंड सर, आइए मेरे साथ। जी हाँ सर, ऐसी दो ड्रेस पिछले हफ्ते ही हमारे पास आई थी। एक तो बिक गई है और एक अभी भी है। जल्दी से उस लड़की का नाम और पता बता दो। लड़की? वो ड्रेस खरीदने कोई लड़का आया था। लड़का? दिखने में कैसा था वो? अच्छी पर्सनैलिटी थी उसकी। और कोई खास बात? उसके मुंह पे स्कार्फ लपेटा हुआ था। स्कार्फ लपेटा हुआ था? थैंक यू। लावण्य, इस लड़की ने भी अपने मुंह पे स्कार्फ लपेटा हुआ है। ये कोई इत्तफाक नहीं है, ये लड़की नहीं है, लड़का है। डॉक्टर सालूंखे प्लीज, आप मजाक मत कीजिए। मैं इतनी भी डम नहीं हूँ जितना कि आप मुझे समझते। एक मिनट तारिका, मैंने कभी तुम्हें डम नहीं समझा। तुम एक समझदार होशियार लड़की हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो भी सही है। सब फिर से वही मजाक। क्या हुआ तारिका, सालूंखे ने फिर से कोई बुरा जोक मार दिया? जी सर, डॉक्टर सालूंखे कह रहे हैं कि वो मुझे खून करने को कहेंगे और मैं बिना कुछ पूछे खून कर भी दूं। बिल्कुल, ये देखो रिपोर्ट आ गई। नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वरुण की मेडिकल रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट? हिप्नोसिस। हिप्नोसिस? यस बॉस। दोनों ने खून अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि पहले किसी ने उन्हें हिप्नोटाइज किया और बाद में खून कर। तुम्हें पूरा यकीन है सालूंखे? बिल्कुल यकीन है। फोटोग्राफ देखो, ये देखो, दोनों की आंख की पुतलियां फैलकर कितनी बड़ी हो गई, डायलेटेड। इसे साफ जाहिर होता है कि दोनों किसी और के गुलाम हैं। शेट्टी, जरा लाइट ऑफ करो। आओ, ये देखो, ये देख रहे हो? हाँ। ऐसी कोई चीज किसी ने उन्हें दिखाकर उनका दिमाग अपने बस में किया और फिर उनसे खून करवा दिया। एग्जैक्टली। तो क्या सालूंखे वरुण बता सकेगा कि किसने उसे हिप्नोटाइज किया? बिल्कुल, उसे फिर से हिप्नोटाइज कर दो, वो सब कुछ बोलने लगे। आप क्यों इतनी तकलीफ ले रहे हो सर? मैं तो ऐसे ही बता सकता हूँ। उन दोनों को पहले कैलाश ने हिप्नोटाइज किया और बाद में उनसे खून करवा दिया। नहीं सर, कैलाश को मरे हुए 2 साल हो चुके। क्या? कौन रहता उसके घर? उसका एक बेटा है जो काफी समय से अस्पताल में है, दिमाग के अस्पताल। दिमाग के अस्पताल? मेंटल हॉस्पिटल। हेलो सर, मैं हूँ विक्रम, यहाँ का मैनेजर। ये डॉक्टर विशाल है, मिस्टर कैलाश के बेटे मयंक का यही इलाज कर रहे हैं। हेलो डॉक्टर विशाल, क्या हम लोग मयंक से मिल सकते हैं? जरूर मिल सकते हैं, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि वो आप लोगों की कोई मदद कर सकेगा, क्योंकि पिछले 2 साल से उसने बाहर कदम तक नहीं रखा है। बाहर क्या हो रहा है उसे कुछ भी नहीं मालूम। मगर ये मयंक यहाँ पर आया कैसे? सर कॉलेज के दिनों से ही उसका दिमाग कुछ अलग चलता था। साइकोलॉजी का सबसे होनहार स्टूडेंट, वो दूसरे लोगों के दिमाग को अपने बस में कर सकता है।
मतलब वो हिप्नोटिज्म जानता है? जानता है सर, मैंने अपने पूरे करियर में आज तक उससे अच्छा हिप्नोटिस्ट देखा ही नहीं। ऐसा लगता है वो दूसरे लोगों के दिमाग में घुसकर बैठ जाता है और वो उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। अगर उसका दिमाग इतना तेज है तो वो यहाँ कैसे? दरअसल एक दिन क्या हुआ कि Right. अब तुम सिर्फ वही करोगे जो तुमसे कहा जाएगा। उस लड़की का हुआ क्या? वो तो बच गई और मैंग को यहां पर भेज दिया गया। सर, वो एक साइकोपैथ है, बहुत ही खतरनाक। और हाँ, अगर आप लोग उससे बात करिएगा तो सीधी निगाह मत मिलाइएगा, क्योंकि वो फौरन आपको हिप्नोटाइज कर लेगा। अरे मैंग, आओ। देखो, तुमसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। आओ। हाँ, तुमसे, हम लोग सीआईडी से। हेलो, हेलो, हाय, हेलो, 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 हेलो। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मैं कहाँ सीरियस हूँ? तुम सीरियस हो? थोड़ा हंस लो। ये लो, थोड़ा और। हो गया? थोड़ा और। सर, ये तो पीछे पड़ गया सर। मेरे पीछे चुप जा, चले। पीछे पड़ गया। क्या हो गया इसको अचानक? सर, ये तो हमेशा होता रहता है। आज तो ये हंस रहा है, लेकिन ज्यादातर बार ये काफी वायलेंट हो जाता है। सर, एक बार तो ये इतना वायलेंट हो गया कि हमारा एक पेशेंट था सनी, इसने उसका कान काट लिया। जी, ये सनी अभी है कहाँ? सर, वो तो उसका इलाज पूरा हो गया, वो ठीक होकर चला गया। अगर आप लोग उससे मिलना चाहते तो मैं उसका एड्रेस दे सकता हूँ। आप प्लीज। ठीक है सर। सर, इस आदमी ने वो ड्रेस खरीदा था, शायद वो सनी होगा। एसीपी साहब? यस सर। जी, वरुण को होश आ गया? मुझे कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं है मुझे। जरा याद करके देखो वरुण, तुम कैसे आ गए यहां पर? शायद ये एक सपना हो। अच्छा, ये बताओ, क्या तुमने नेहा, नेहा ये नाम सुना है? कहाँ है नेहा? वो ठीक तो है ना? कौन है नेहा? कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है, हम लोग शादी करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ बदल सी गई है, खोई खोई सी रहती है। क्या हुआ है नेहा? क्या हुआ? मैं उसे शहर के बाहर भी लेके गया था। क्यों? सोचा उसका मन बहल जाएगा। कहाँ? कहाँ लेकर गए थे नेहा को? बताओ। कहाँ? हाँ, याद करो। कहाँ लेके गया था? कहाँ? हाँ, याद करो। वरुण, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसे देखो, देखो यहाँ। तुम्हें नींद आ रही है, आंखें बंद करो वरुण।
सो जा। वरुण, तुम नेहा के साथ शहर से बाहर गए हो, तुम खुश हो? हाँ, हम दोनों बहुत खुश हैं। हम लोग पहाड़ों के बीच एक रिजॉर्ट में हैं। नेहा अभी भी उदास है। और क्या दिख रहा है? एक ऊंचा लंबा आदमी है। कहाँ पे हो तुम? हम लोग एक छोटे से कमरे में। वो आदमी क्या कर रहा है? वो कह रहा है एक फोन कॉल आएगा। और क्या कह रहा है? फोन सुनने के बाद खून करना होगा। और क्या कहा उसने? खून करने के बाद आत्महत्या करनी होगी। सबको आत्महत्या करनी होगी। प्रिमरोज कॉटेज में आना होगा। प्रिमरोज कॉटेज में आओ। प्रिमरोज कॉटेज। कैसे रहे घर में? इसे छुपने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए अंदर ही है। फिर गड़बड़। दरवाजा खुला है, मतलब गड़बड़। तो कोई नहीं सर, बेडरूम में भी कोई नहीं है। गायब कहाँ हो गया? अभी दरवाजा खुला छोड़ के। हेलो अभिजीत, है क्या? कहाँ पे? हाँ हाँ ठीक है, हम लोग आते हैं। या क्यों? एक आदमी और कूद गया ऊपर से। ये मरा कैसे? सब वहां से कूदा हो। हमने इसे बचाने की बहुत कोशिश की, खूब चिल्लाए, पर इसने एक बार भी हमारी तरफ नहीं देखा। इसने किसी की सुनी ही नहीं। तो, हाँ? ये देखिए। Oh my God, इसका तो कान कटा हुआ है। सनी? ये तो सनी है। इसका कान इतनी सफाई से कटा है जैसे किसी सर्जन ने काटा हो। हाँ? उस डॉक्टर ने कहा था ना कि मयंक ने इसका कान काटा है, और जिस तरह से कान कटा हुआ ऐसा लगता है कि हिप्नोटाइज करके ही काटा गया है। मयंक? इसका मतलब जितने भी खून अभी तक हुए हैं वो सब मयंक ने करवाए हैं, कि सनी के थ्रू? मतलब मयंक खुद तो हॉस्पिटल में बैठा रहा और इसके जरिए लोगों से खून करवाता रहा। ओके, इस मयंक को पकड़ना होगा, जल्दी से जल्दी। सड़क पर आ जाएगा, बोलो कुछ। अरे बोलेगा बेवकूफ, एक मिनट, ये हंगामा कैसा है? हंगामे की बात है सर, मयंक यहाँ से भाग गया। कब? 2 घंटे पहले। पर कैसे? एसी की डक से। एसी की डक से कैसे भाग गया वो? हमारे इस वार्ड बॉय ने उसकी मदद की, और अब ये गधा कह रहा है कि उसे कुछ याद ही नहीं है। आप लोगों ने बताया था ना, मैं किसी से कुछ भी करवा सकता है। हाँ सर। हिप्नोटाइज कर दिया होगा इसे। अभिजीत, लगता है मयंक ने सनी को हिप्नोटिज्म सिखाया और फिर उसे हिप्नोटाइज किया और फिर उसे कहा कि बाहर जाकर मेरे बाप के दुश्मनों से बतला दे। यस, और जब सनी का काम खत्म हो गया उससे आत्महत्या करवा दी। लेकिन अब वो गया कहाँ होगा? उसे रोके सर, नहीं तो वो चारों तरफ तबाही मचा देगा। अभिजीत, इस मयंक ने नेहा से खून करवाया है ना? यस सर। तो इसका मतलब है मयंक और नेहा एक दूसरे को पहले से जानते होंगे। नेहा का कुछ प्रॉब्लम हुआ था ना कॉलेज में? हाँ सर, कहीं वो प्रॉब्लम इस मयंक की वजह से तो नहीं हुई? एक मिनट सर। हेलो मिस्टर उत्पल, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। आप नेहा के साथ कॉलेज में हुई किसी एक्सीडेंट के बारे में कुछ बोल रहे थे। हाँ जी। ओ
अच्छा ठीक है, थैंक्स। अच्छा वो मैं ही है जिसने नेहा को हिप्नोटाइज किया था और ऊपर से कूदी। का मतलब सर वरुण की जान को खतरा है? हाँ। भी हिला तो 20 गोलियां तेरे आर पार कर देंगे सरकार। से प्यार करता था और उसने मुझे ठुकरा दिया। तो तुमने नेहा से खून करवा के उसे भी मरवा दिया? अगर मैं नेहा से प्यार करता था तो किसी और से प्यार कैसे कर सकती थी? तो फिर उसके हाथों से ही क्यों खून करवाया तुमने? हैं? एक तीर दो शिकार। वो विकी और दिनेश तो कीड़े थे, कीड़े कीड़े थे। वो मेरे पापा के साथ फ्रॉड किया था उन्होंने, फ्रॉड किया था मेरे पापा के साथ। अपना दिमाग किसी अच्छी जगह लगाता तो कितना अच्छा होता। लोगों की मदद कर रहा होता तो दुआएं मिल रही होती, लेकिन अब या तो फांसी मिलेगी या फिर जिंदगी भर के लिए जेल। पहले इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं ताकि इसका दिमाग ठीक किया जा सके। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।